हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज हो रहा था वेदर बहुत ही शानदार, सुबह से मौसम बहुत ही अच्छा था, तो हमने सोचा तो कहीं घूमने चलते हैं। तो हम जा रहे थे आइलैंड, जो कि दमाम में ही है और हमारी बिल्डिंग से बहुत ही करीब है। तो यहाँ पहले हम रुक गए थे रास्ते में आइलैंड से पहले, क्योंकि यहाँ का व्यू भी बहुत ही अच्छा लग रहा था और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी बहुत ही अच्छी। तो सोचा पहले यहाँ पर थोड़ी सी वीडियो हम शूट कर लेते हैं, और मैंने सोचा कि इस प्यारी सी जगह को मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ अपने व्लॉग के थ्रू। और इधर चल रहा था ये फ़ोटोशूट, और उधर जाना था हमने आइलैंड पर। ये एक आर्टिफिशियल आइलैंड है, और ये इधर बैठी थी अम्मी। और इन्हीं बिल्डिंग्स के पीछे हमारी बिल्डिंग है जहाँ हम रहते हैं। सो चलिए अब हम चलते हैं आइलैंड पर। और ये है यहाँ पर एंट्रेंस गेट, जिसे मैंने आपको बताया था ये एक आर्टिफिशियल आइलैंड है, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल विजिटिंग प्लेस है फैमिलीज़ के लिए, फ्रेंड्स के लिए। यहाँ पे फैमिलीज आती हैं पिकनिक के लिए, और यहाँ पे स्टॉल्स भी लगे हुए थे लाइक फ्रूट चाट, कॉर्न्स और बहुत कुछ था। बच्चों के आइटम्स के स्टॉल्स भी थे यहाँ पर। और इधर ही कर देंगे हम अपनी कार को पार्क और जाएंगे इनसाइड एरिया में। सो लेट्स एक्सप्लोर टुगेदर गाइस। और इधर ये लेडीज सेल कर रही थी कालीन और बच्चों के आइटम्स। अब चलिए चलते हैं ऊपर। और ये बनाया हुआ था पार्क जैसा, यहाँ पे बच्चों के लिए बहुत झूलने के लिए झूले थे। और इधर दिख गया था मुझे खाली झूला, तो मैंने कहा चलो उधर चलते हैं क्योंकि मुझे झूलना था। और ये इधर मैं झूल रही हूँ इतराते हुए। यो देखो मछली पकड़ ली, इतना कितनी बढ़िया खाने के लिए। और इधर था ये वॉशरूम, यहाँ जहाँ भी विजिटिंग प्लेस होता है हर जगह यहाँ पर मस्जिद भी और वॉशरूम भी जरूर मिलते हैं। और ये बनाया हुआ था सिटिंग एरिया, और यहाँ पे बहुत सारे बने हुए थे जगह जगह सिटिंग एरियाज जो कि बहुत ही प्यारे थे। और बाकी यहाँ पे चेयर्स भी थी बैठने के लिए, और ये इधर उड़ रही थी आसमान में काइट। और ये इधर लेडीज़ भी कर रही थी फिशिंग, और देखिए इस बच्चे ने भी एक छोटी सी फिश को पकड़ लिया था और ये बहुत खुश हो रहा था। एक छोटी सी मिनी सी फिश थी ये, और बिल्ली खाने के इंतज़ार में। और ये इधर से होती है बोट राइड, और ये जा रही थी एक बोट। और ये यहाँ पर एकदम से आ गया था तूफान, बहुत तेज़ वाली हवा चलने लगी थी। यहाँ जो लोग बैठे थे वो सब उठ उठ कर भाग लिए थे अपने क
कालीन सामान को समेट कर और अब हम जा रहे थे डॉल्फिन विलेज जो कि यहीं पर बना हुआ था। और हमने सुना था कि वहाँ पर डॉल्फिन शो होता है, तो हमने सोचा चलो चलते हैं वहाँ पर शो देखते हैं। और ये था रेस्टोरेंट और इसी के बराबर में बनाया हुआ था डॉल्फिन विलेज। तो मुझे उस डॉल्फिन विलेज में जाना था क्योंकि जो मैंने गूगल पे उसके पिक्स वगैरह देखे थे वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पर सही लोग गए हुए थे टिकट लेने के लिए विलेज का। और ये अब हम जा रहे हैं डॉल्फिन विलेज। डॉल्फिन विलेज है ये। और इधर आ गए थे हम इनसाइड एरिया में और देखिए इन भाई साहब ने ले रखा है स्नैक। और मैं इसी के पास जा रही थी स्नैक देखने के लिए पास से। और ये था प्यारा सा छोटा सा मिनी हॉर्स। पहले मैं इसको डोंकी सोच रही थी लेकिन ये तो हॉर्स था छोटा सा, बाद में मैंने देखा था। और ये इधर दिया था मिश्री सर्कस मीन्स इजिप्शियन सर्कस। और ये मोस्टली पूरा बच्चों के लिए ही बना हुआ था, चिल्ड्रंस पार्क वाटर पार्क की तरह। और हम आए थे यहाँ पे वैसे डॉल्फिन के लिए ही बस, लेकिन सोचा कि सारे में चलो देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या क्या है। यहाँ पर सभी आए हुए थे अपनी फैमिली बच्चों के साथ। और ये इधर छोटे छोटे बच्चे कर रहे थे पानी में मज़े। और ये इधर दिया हुआ था हॉन्टेड हाउस और इसके बराबर में था ये जू। और यहाँ पर स्टार्ट हो गई थी थोड़ी थोड़ी बूंदे यानी, मैं सोच रही थी काश बारिश ही हो जाए। और ये इधर बच्चे पता नहीं किस बात की जिद कर रहे थे अपनी अम्मी से, रो रहे थे। और ये है मिनी ट्रेन जो कि बहुत ही तेज चलती है एकदम एक्सप्रेस जैसी। और ये देखो पास से जू और हॉन्टेड हाउस। और हमने यहाँ पर डॉल्फिन शो नहीं देखा क्योंकि जब हम गए थे तो वहाँ पर लिखा हुआ था फिश कैट्स और उसमें डॉल्फिन भी नहीं थी, वो बहुत छोटा सा था वो बच्चों के लिए। तो हमने सोचा क्यों इसमें जाएं बच्चों वाले में। और ये इधर प्रिंट योर नेम ऐसे शॉप थी, इस पे अपने किसी भी चीज़ पे प्रिंट करवा सकते थे नेम। सो डॉल्फिन विलेज जाना हमारा रहा था वेस्ट क्योंकि वहाँ पे सब बच्चों के लिए ही था। तो अब हम जा रहे थे घर वापस और मैं अपने व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। सो अल्लाह हाफिज़।